और यहाँ पर फर्स्ट इधर बाघ और शेर सब रहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को एक चीता दिखाई दिया तो कुछ भागा अभी और कुछ भागा अभी तो बोले दो, और इधर थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में, और हम लोग आ चुके हैं सासाराम में। और ये आलोक भाई देखिए पूरा घूम रहा है, इधर मस्ती कर रहा है, और ये देखिए कैसा धूप हुआ है। मानसून तो स्टार्ट हो गया है, धूप बहुत तेज हुआ है, बहुत टेंशन है वाटरफॉल बनने और का। हम लोग ऐसे ही घूमने निकले थे, वो एक और भाई है साथ में वहाँ खड़ा है, तो हम लोग ऐसे ही घूमने निकले थे, तो सोच रहे हैं कि चलो गीता घाट घूम के आया जाए, बारिश हुआ है कि नहीं हुआ है चेक कर लिया जाए। और दोस्त सब मिला अभी, भाई लोग पहचान गया और पूछ रहा है सब्सक्राइबर क्यों हाइड किए, तो अभी भाई कम सब्सक्राइबर है इसलिए हाइड है, जब हो जाएगा पूरा सब ओपन हो जाएगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कहाँ से भाई लोग? हम लोग भाई रोजा रोड कालीस्थान। तो भाई लोग यहीं से है, तो अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है उधर। थैंक यू भाई लोग, और सपोर्ट करते रहिए। हैमलेट आ गए अभी भाई तो भाई कभी धूप हो रहा है कभी छाँव हो रहा है, कभी धूप हो रहा है कभी छाँव। हम लोग कल भी गए थे पहाड़ के पास, तो कल बारिश हुआ था पहाड़ पे, और आज सुनने को मिला है कि मतलब थोड़ा बहुत वाटरफॉल हो रहा है, तो जा रहे हैं देखने के लिए। अभी तो कोई नहीं डाला है पहला, हम लोग का ब्लॉग रहेगा वाटरफॉल के बारे में। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, झूठ बोल रहा है। और हमारे जो भाई लोग हमको पता है कि इसलिए कोई शॉर्ट कुछ नहीं लिया है, हमको पता है कि देखिए वहाँ पे वाटरफॉल नहीं हो रहा होगा। वहाँ पर हमारे भाई लोग जो मिले थे, बहुत लोग को मिलकर खुशी हुआ, हम भाई को बहुत खुशी हुआ भाई, बहुत मजा आया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, सामने पहाड़ दिख रहा है, कैमरा में आप लोग को नहीं दिख रहा है, कुछ सामने देखिए एकदम बहुत अच्छा मौसम दिख रहा है। चलिए अब आपसे सीधे मिलते हैं जहाँ से सीनिक व्यू आएगा पहाड़ का, जहाँ से मस्त लगता है रोड, वहीं वहीं से चलते हैं। गीता घाट वाला रास्ता है और पहाड़ अब दिखने लगा है, ये बीच से गांव से होके जाना है, अब तुरंत ही हम लोग को पहाड़ के बगल वाला रास्ता मिल जाएगा यहीं आगे। और अब हमारे भैया जो ये लोग भी जा रहे हैं पीछे है, पहचान रहे हैं आप लोग, बहुत पुराना दोस्त बेवड़ा मतलब विवेक, और हमारे भाई निकल रहे हैं आराम से। तो कभी कभी धूप हो रहा है, कभी कभी बादल हो जा रहा है, और आलोक भाई देखिए बोल रहे हैं कि तो हमको राइड करने दो, ये मौसम भाई जो कि एक ब्लॉग में दिखा था ये ना पिछला साल, एक ब्लॉग में था ये, और हम लोग हमेशा इसी रास्ते में रुकते हैं, यहाँ से लोकेशन देखिए कितना मस्त दिखता है। लग रहा है वाटरफॉल नहीं मिलेगा, स्कैम हो गया लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इंतजार है। चलिए तो चलते हैं आगे, अब देखते हैं क्या हाल है। पिछला बार यहाँ आए थे तो ये वाला रोड जो दिख रहा है, ये वाला ये कंस्ट्रक्शन में था और ये रोड बन गया। ये रोड बन जाने के कारण अब मानसून में ये वाला रोड में इतना बढ़िया व्यू दिखता है, करमचंद डैम का इतना बढ़िया व्यू। यहीं का फोटो खींचा है एकदम, अभी तक उसको लगाते हैं, बहुत अच्छा मौसम भाई। देखिए टीवीएस रेट अब निकल कर थोड़ा चलिए पकड़िए थोड़ा।
पे बहुत बड़ा ये वाटरफॉल है, बहुत बड़ा, पूरी ऊपर से पूरा एकदम बहुत बड़ा यहाँ वाटरफॉलिंग होता है। अभी ये जो पीछे वाला वाटरफॉल आलोक बता रहा था कि ये भी वाटरफॉल है, अभी 5 मिनट वहाँ पे बाइक रोक के मेरे और इसमें बहुत सुना कि बहुत वाटरफॉल बड़ा है। हम लोग को यहीं से घूमना है, जो भी भाई लोग आएंगे यहीं से टर्न हो जाना है, और अब टेंशन नहीं लेना है। पहले हमको टेंशन होता था कि मेरी आर1 बाइक कैसे इसमें जाएगी, देखिए रास्ता पूरा बन गया है। कुछ भी कहो भाई, गवर्नमेंट काम तो कर रही है। तो आप लोग व्यू का एंजॉय लीजिए, मस्त मस्त व्यू आएगा। ये जो रास्ता है वो पहाड़ के ऊपर चला जाता है, नहीं जहाँ से वाटरफॉल होता है वहाँ भी जा सकते हैं आप, अगर आप में ट्रैकिंग का क्षमता है। आलोक भाई तो गया है, गए हो? हाँ एक बार गया। आलोक भाई एक बार चला गया। आलोक भाई एक्सपर्ट है कोई चीज में, कोई टेंशन नहीं है। देखिए रास्ता यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कोई पहले प्रॉब्लम होता था लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए पूरा रास्ता बन गया है। आगे अपनी औकात में सही रोड था पहले, जो ऐसा दिख रहा है सही रोड था पहले। आलोक भाई आराम से, तुम्हारा तो रिकॉर्ड बहुत खराब है पहाड़ पे। अब बन जाएगा टेंशन आलोक। आलोक भाई का रिकॉर्ड है जब गाड़ी लेके जाता है पहाड़ पे तब एक बार पटकता है, और इसीलिए इसको बोल रहे थे कि तुम पहाड़ पे नहीं लगा लेना होगा। आराम से चलो, पानी देखिए बहुत तेज गिरा है, बहुत तेज। मौसम भाई को ले रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस वाटरफॉल के लिए? क्या कहेंगे आप इस वाटरफॉल के लिए? कितना पानी है, ऊपर चलते हैं, ट्रेवलिंग करता है ऊपर। देखिए यहाँ पे अभी ना और यहाँ पे थोड़ा सा भी वाटर फॉलिंग नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हम मौसम और अभिनव जा रहे ऊपर, देख रहे हैं क्या हाल है ऊपर का, ऐसे एक लोग भी यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। भाई देखो, हम इससे बोल रहे हैं कि देखो पानी नहीं है ऊपर, पत्थर सब। हम लोग के साथ स्कैम हो गया यार, साफ स्कैम, पानी गायब हो गया, चोरी। हमको पहले से पता था पानी नहीं है, हमको पता था कि स्कैम होगी लेकिन इतना बुरा तरह नहीं। ये देखो क्या कर रहा है अभिनव, उसको बोला था, उसको अभिनव बोला था, उसको मार रहा है। चलो चलो ऊपर चलते, ऊपर ऊपर ऊपर। और यहाँ इधर बाघ और शेर सब रहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को एक चीता दिखाई दिया। और इधर अभी तक कोई नहीं आया है, पहला बार हम लोग आ रहे वाटरफॉल में, देख रहे हैं। एक बार मेरे को मौसम माजर कुंड घुमाने लेके गया था, बोला तुम्हारा कुंड चलो तुमको घुमाते हैं, आयो सासाराम तो लेके चला गया, पता नहीं कौन कुंड बोल रहे की बाघ, देखो बाघ का पंजा, इस सब हमको डरवा रहा था पूरा, इसीलिए आज इसको आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो, इसीलिए आज इसको हम झूठ बोले। हमको पता था कि वाटरफॉल नहीं हो रहा लेकिन इसको झूठ बोले चलो वाटरफॉल हो रहा। वही वाटरफॉल जो एक बार हम लोग भरपूर देखते थे कि पूरी पानी गिर रहा था एकदम, बहुत मजा आता था, आनंद लोग लेते थे, वही वाटरफॉल पर आज हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। और इधर थोड़ा बहुत खतरा भी है, क्या अभिनव? इधर थोड़ा बहुत खतरा भी अभी लग रहा है, खतरा तो बहुत है साहब। और कोई इधर नहीं देख रहा है, एक लोग भी इधर नहीं है, कोई भी नहीं इधर, एक पंछी की आवाज भी नहीं आ रहा है। पंछी का आवाज आ रहा है, सांप का भी आवाज आ रहा है। एक बात बताया तुमको आलोक? हाँ हाँ, चलो थोड़ा बहुत आगे तक चलते हैं यार, आए हैं तो थोड़ा मेहनत कर लें। और समझ में नहीं आ रहा किधर किधर से चलें, केवल आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं। देख, जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे तब तक आप लोग घूमने मत आइए, हम लोग जब तक आप लोग को वाटरफॉल के बारे में नहीं दिखाए तब तक बताइएगा, बहुत पसीना हो गया और इंजॉय भी नहीं करेंगे हम लोग, बहुत बुरा लग रहा है, यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं है। निशानी लेना है हम लोग को, तो वो कांट जरूर उठा अंदर जाएगा, अलग आता है फिर अकेला आता है। वो कुछ भागा अभी और कुछ भागा अभी तो बोले दो, और इधर थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है, थोड़ा बहुत थोड़ा सा संभल कर रहना है, क्योंकि अभी लोग अभी तक तो कोई इधर आया नहीं है ना, बहुत दिन
ये वही वाटरफॉल है भाई, जो कि हम लोग आते थे यहाँ पर बहुत सारा पानी गिरता था, थोड़ा बहुत आगे तक जाते हैं जहाँ हम लोग आप लोग दिखा दें, पूरी तो अभी पानी नहीं आया है, अभी कांट उट बहुत फंस रहा है, देख लग सकते हैं मौसम को काट दस गया ऊ बोल रहे ऊ मैं कैसे आऊं? देखो एडजस्ट कर लो, आजा आजा दिमाग रहेगी तो कहीं निकल जाएगी। और पसीना देखो अब इनको पसीना हो रहा है कितना, ओ माय गॉड गया काट पकड़ लिया चलो खींच लो देखो पसीना कितना। इधर देखो अभिनव बताओ यही वाटरफॉल है कि नहीं है? माजी नहीं है अभी, अभी यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, देखो शेर का आवाज आ रहा है। और यही वो वाटरफॉल है जो वहाँ पे, यहाँ पर बहुत सारा पानी गिरता है इधर, और बहुत इधर जाने में भी डर लगता है, गिर जाते हैं लोग, कितने लोगों को चोट लग जाता है। और इधर अभी थोड़ा सा भी एक थोड़ा सा भी पानी नहीं आने में भी टाइम लगेगा, मानसून को बहुत टाइम लग जाएगा पुराने में, जब तक बारिश नहीं होगा बढ़िया। भाई बहुत पसीना हो गया अभी, थोड़ा सा भी मजा नहीं है, लग रहा है जैसे गर्मी में एकदम पूरा लू यहाँ पैसे आते थे लेकिन आते थे बहुत मजा आता था। अभी यहाँ देखिए पूरा पानी इतना मस्त था ना कि हम जैसे ही आते थे वैसे ही यहाँ पे पूरा ऐसे हो जाते थे, लेकिन अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे ऊपर जाने से कोई फायदा नहीं है, सुनसान है पूरा, क्योंकि दो तीन बीस खोपड़ा कहलाता है, क्या क्या कहलाता है, बाघ बाघ नहीं 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 बाघ नहीं, कोई चीता चीता कोई जानवर था जो कि भागा है यहाँ पे, दो तीन को दिखा है, इसीलिए मौसम भाई जब तक हम लोग का एक वीडियो नहीं आ जाएगा यूट्यूब पे कि वाटरफॉल होने लगा तब तक हाला मत करना पूरे सासारा में, किसी को यहाँ पानी नहीं देना है। मौसम भाई से नहीं बोल रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर लोग को बोल रहे हैं, तब तक आप लोग प्लीज मत आइएगा क्योंकि आने का कुछ फायदा नहीं है, देख लीजिए इतना पसीना होगा कुछ फायदा भी नहीं होगा। 2022 का पहला वाटरफॉल आप लोग देख लीजिए, बहुत मस्त है, मजा आया, और वादा है आपसे पहला वाटरफॉल हम ही लोग दिखाएंगे, एकदम गारंटी है, एकदम पहला हम लोग पूरे। तो भाई लोग कुछ फायदा नहीं हुआ, पसीना से भीग भी गए और लगा, यहाँ से हम लोग चल रहे हैं क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ पे, निकल रहे हैं, बहुत उदास हुए हम लोग को, स्कैम होगा हम लोग के साथ, और यहाँ से सब लोग निराशा होकर लौट रहा है। लेकिन 2022 का वाला वाटरफॉल अभी तक समझ लीजिए कि अभी तक कहीं पर नहीं आया होगा, जब यहाँ पर नहीं आया है तो क्या अभी ना सबसे पहला पानी यहीं गिरता है। हाँ पानी यहाँ पर, इधर बारिश ज़्यादा होता है पहाड़ में, तो अभी इधर नहीं आया है तो कहीं नहीं आया होगा, देखिए कैसे कैसे जा रहे हैं, बहुत कष्ट किए हैं।